हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ए। हमारे पास एमसीबी है, हम एमसीबी ऑन करेंगे तब यहाँ पे लोड है जो ऑन होना चाहिए। जैसे ही एमसीबी ट्रिप हो तब यहाँ पे जो इंडिकेशन है जो ऑन होना चाहिए, तो उसका कनेक्शन कैसे करते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले और प्रैक्टिकली भी हम देखने वाले। और यहाँ पे जो एक कनेक्शन करेंगे उसका एडवांटेज क्या है और यहाँ पे एक कनेक्शन कहाँ पे हम यूज़ कर सकते, इन सब के बारे में आज डिटेल में बात करने वाले। तो इस वीडियो से कोई हेल्पफुल जानकारी मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। तो चलिए फ्रेंड, हम शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। एक तो हम सिंगल पोल की एमसीबी यूज़ करने वाले, उसके थ्रू हम लोड कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे लोड में हम लैंप कनेक्ट करेंगे, मीन्स के जैसे हम एमसीबी ऑन करेंगे तब यहाँ पे जो लैंप है जो ऑन होना चाहिए। जैसे ही एमसीबी ट्रिप होगी तब यहाँ पे जो है रेड कलर का इंडिकेशन है जो ऑन होना चाहिए। यहाँ पे हम एमसीबी यूज़ करेंगे, यहाँ पे लोड में लैंप कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंडिकेशन में यहाँ पे जो है रेड कलर का इंडिकेशन है जिसका हम यूज़ करने वाले हैं। और जो मेन पावर सप्लाई जो फेज न्यूट्रल है जो यहाँ पे है, दो कॉन्टेक्ट है, उसके थ्रू हम कनेक्ट करेंगे। तो चलिए फिर हम पहले डायग्राम थ्रू देख लेते हैं कि उसका वायरिंग कैसे होता है, बाद में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि उसका वायरिंग कनेक्शन कैसे होता है। चलिए फिर हम पहले सिंपल वायरिंग देख लेते हैं, मींस कि यहाँ पे जो सिंगल पोल की एमसीबी है उसके थ्रू यहाँ पे जो लोड है मींस कि यहाँ पे लैंप है उसको कैसे ऑन ऑफ करते हैं। तो उसका वायरिंग कैसे होता है, यहाँ पे जो ये दो कॉन्टेक्ट है जो फेज न्यूट्रल है उसमें से जो फेज वायर है जो हम डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे यहाँ पे जो सिंगल पोल की एमसीबी है उसके इनपुट में हम कनेक्ट करेंगे। और उसका आउटपुट है, यहाँ पे जो सेकंड टर्मिनल है उसका आउटपुट है, उसके थ्रू यहाँ पे जो लैंप है उसका फर्स्ट टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। और जो लैंप का सेकंड टर्मिनल है वहाँ पे हम डायरेक्टली न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो एमसीबी का सेकंड टर्मिनल है जो इनपुट पावर सप्लाई है वहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट होगा और डायरेक्टली हम लैंप में कनेक्ट करेंगे। उसका वर्किंग कैसे होता है, जैसे हम एमसीबी ऑन करेंगे तब यहाँ पे जो लैंप है जो ऑन होगा, जैसे ही एमसीबी ऑफ करेंगे तब यहाँ पे जो लोड है जो हमने लैंप कनेक्ट किया जो ऑफ होगा। चलिए फिर हम इतना वायरिंग कर लेते हैं, हम एमसीबी थ्रू हम लैंप को कनेक्ट कर लेते हैं, बाद में हम इंडिकेशन का वायरिंग के बारे में बात करेंगे। हमने जो देखा उस हिसाब से यहाँ पे मैंने वायरिंग कर दी है। जहाँ पे इनपुट पावर सप्लाई जो फेज न्यूट्रल है उसमें से फेज है जो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे सिंगल पोल की एमसीबी इसके इनपुट में कनेक्ट किया। और उसका आउटपुट है जहाँ पे एमसीबी का आउटपुट है उससे डायरेक्टली लोड हमने लैंप कनेक्ट किया। और जो लैंप का सेकंड टर्मिनल है जो न्यूट्रल है जो डायरेक्टली यहाँ पे इनपुट सप्लाई है जो न्यूट्रल है उसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट किया। तो उसका वर्किंग कैसे होगा, यहाँ पे जैसे हम सिंगल पोल की एमसीबी है इसको हम ऑन करेंगे तब यहाँ पे जो लैंप है जो ऑन होगा, जैसे हम ऑफ करेंगे तब यहाँ पे जो लैंप है जो ऑफ हो जाएगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट इंडिकेशन का वायरिंग के बारे में बात कर लेते हैं। पहले हम डायग्राम थ्रू समझेंगे कि हम जब एमसीबी ट्रिप होगी तब यहाँ पे इंडिकेशन ऑन होना चाहिए, बाद में हम प्रैक्टिकली देखेंगे। हमने क्या देखा कि हम जैसे ही एमसीबी ऑन करते थे तब यहाँ पे लैंप है जो ऑन होता था, जैसे ही हम एमसीबी ऑफ करेंगे तब यहाँ पे लैंप है जो ऑफ होगा। अगर यहाँ पे जो एमसीबी ट्रिप हो मीन्स कि यहाँ पे हम एमसीबी ऑफ करें या तो ट्रिप हो तब यहाँ पे जो है रेड कलर का इंडिकेशन है जो ऑन होना चाहिए। तो उसका वायरिंग कैसे करते हैं इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो इंडिकेशन है उसको एमसीबी के साथ हम पैरेलल कनेक्ट करेंगे। तो उसका कनेक्शन कैसे होता है, जो यहाँ पे इंडिकेशन है उसका दो टर्मिनल है जो फेज एंड न्यूट्रल है, उसमें जो फेज है जो हम डायरेक्टली कनेक्ट कराएंगे जहाँ पे एमसीबी का फर्स्ट टर्मिनल है जहाँ पे हमने इनपुट पावर कनेक्ट किया है उसके साथ कनेक्ट कराएंगे। और जो इंडिकेशन का सेकंड टर्मिनल है जो न्यूट्रल है वो हम डायरेक्ट कनेक्ट कराएंगे यहाँ पे जो एमसीबी का ऊपर वाला टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कराएंगे। उसका वर्किंग कैसे होगा, जैसे हम यहाँ पे एमसीबी हम ऑन करेंगे तब यहाँ पे जो हमने लैंप कनेक्ट किया जो ऑन होगा, जैसे ही एमसीबी ट्रिप होगी या तो हम ऑफ करेंगे तब यहाँ पे जो रेड कलर का इंडिकेशन है जो ऑन होगा। तो हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि उसका वर्किंग कैसे होता है। हमने जो देखा उस हिसाब से यहाँ पे वायरिंग कर दी है। यहाँ पे जो लैंप है उसको तो ऑलरेडी हमने कनेक्ट कर दिया है। सेकंड हमने इंडिकेशन का कनेक्शन किया है जो एमसीबी के साथ पैरेलल कनेक्ट किया है, जो इंडिकेशन का फर्स्ट टर्मिनल है जो फेज वायर है उसको डायरेक्टली कनेक्ट किया। यहाँ पे एमसीबी का फर्स्ट टर्मिनल है जहाँ पे हमने इनपुट पावर दिया उसके साथ कनेक्ट किया। और जो इंडिकेशन का सेकंड टर्मिनल है यहाँ पे जो एमसीबी का आउटपुट है जो ऊपर वाला एमसीबी का आउटपुट है उसके साथ कनेक्शन किया। चलिए फिर हम उसका वर्किंग देख लेते हैं। यहाँ पे अभी मेन सप्लाई जो ऑफ है, हम जैसे ही ऑन करेंगे तब यहाँ पे जो लैंप है जो ऑन होगा, मीन्स कि यहाँ पे जो एमसीबी है जो ऑन कंडीशन में, तो हमारा जो लोड है जो हमने कनेक्ट किया जो ऑन होगा। जैसे ही एमसीबी ट्रिप होगी यहाँ पे हम ट्रिप कराएंगे तब यहाँ पे जो इंडिकेशन है जो यहाँ पे रेड कलर का इंडिकेशन है जो ऑन होगा, जैसे ही एमसीबी हम ऑन करेंगे तब हमारा जो लोड है जो ऑन होगा और यहाँ पे जो इंडिकेशन है वो चला जाएगा। जैसे ही एमसीबी ट्रिप होगी तब यहाँ पे इंडिकेशन है जो ऑन होगा और हमारा जो यहाँ पे लोड कनेक्ट किया जो लैंप कनेक्ट किया जो ऑफ होगा। उसका वर्किंग कैसे हुआ उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। जो यहाँ पे एमसीबी है जिसको हम ऑन करेंगे तब यहाँ पे जो लोड है जो ऑन हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ पे एमसीबी थ्रू उसको फेज मिल जाएगा और न्यूट्रल तो हमने डायरेक्टली कनेक्ट किया। जैसे ही एमसीबी ट्रिप होगी तब यहाँ पे जो इंडिकेशन ऑन हो जाएगा, मीन्स कि यहाँ पे जो इंडिकेशन है उसमें ऑलरेडी यहाँ से उसको फेज डायरेक्टली मिल रहा है, उसको न्यूट्रल कहाँ से मिलेगा? जो मेन सप्लाई का न्यूट्रल है जो हमने डायरेक्टली लैम्प के साथ कनेक्ट किया है, और लैम्प का सेकंड टर्मिनल है जो यहाँ पे एमसीबी का आउटपुट है उसके साथ कनेक्ट किया है, और इंडिकेशन का भी सेकंड टर्मिनल है उसके साथ शॉर्ट है, मीन्स कि यहाँ पे जो न्यूट्रल है जो यहाँ पे लोड थ्रू उसको डायरेक्टली यहाँ पे इंडिकेशन को मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो एमसीबी जब ट्रिप होगी तब यहाँ पे जो इंडिकेशन ऑन होगा, जैसे ही एमसीबी हम ऑन करेंगे तब यहाँ पे जो लैंप है जो ऑन हो जाएगा। इसका यूज कहाँ पे होता है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, बाद में हम इसका एडवांटेज के बारे में बात करेंगे। पैनल वायरिंग में ज्यादातर ट्रिपिंग इंडिकेशन का यूज होता है, मीन्स के पैनल के अंदर एमसीबी इंस्टॉल करते हैं, उसकी बाहर साइड हम इंडिकेशन इंस्टॉल करेंगे, मीन्स के जैसे ही एमसीबी जो ट्रिप होगी तब उसके बाहर से आपको पता चल जाएगा कि हमारी एमसीबी जो ट्रिप हुई है। सेकंड उसका एडवांटेज क्या है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, मीन्स के जो एमसीबी जो पैनल में हम इंस्टॉल करते हैं तो एमसीबी ऑफ हुई या तो ट्रिप हुई तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा यहाँ पे इंडिकेशन थ्रू कि एमसीबी ट्रिपिंग हुई है, मीन्स के आपको दूर से ही पता चल जाएगा कि एमसीबी ट्रिपिंग हुई है। तो आई होप कि आपको पता चल गया कि ट्रिपिंग इंडिकेशन का वायरिंग कैसे करते हैं एमसीबी के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपकी कमेंट एंड लाइक हमको सपोर्ट करती है आगे अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक रिलेटेड ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।